न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है, तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 165 अंक चढ़कर 73,668 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी में मामूली 3 अंक की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी अब 22,336 पर पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स के करीब 8 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। सोना 50 रुपए सस्ता हो गया और अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 66,350 रुपए हो गई है। हालांकि चांदी 400 रुपए महंगी हो गई और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी 75,900 रुपए पर पहुंच गई है। फरवरी महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.09% पर आ गई, जो जनवरी 2024 में 5.1% रही थी। हालांकि फरवरी 2024 में खाद्य महंगाई दर में इजाफा देखने को मिला है और ये फरवरी में 8.66% रही, जबकि जनवरी में ये 8.3% थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम ने फरवरी में बिके पैसेंजर व्हीकल के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक फरवरी 2024 में अब तक सबसे ज्यादा पैसेंजर्स व्हीकल की सेल्स हुई है। इस साल फरवरी में डोमेस्टिक सेल्स 370,786 यूनिट्स है, जबकि पिछले साल फरवरी 2023 में ये आंकड़ा 334,790 यूनिट्स रहा था।